पाकिस्तान फिजियोथेरेपी एसोसिएशन की जानिब से सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर एहतजाज किया गया। एहतजाज में लाहौर के सरकारी और निजी अस्पतालों के फिजियोथेरेपिस्ट समेत बलूचिस्तान से भी मुजाहिरीन शरीक हुए। मुजाहिरीन ने नारेबाजी की। इस मौका पर मुजाहिरीन ने कहा कि कई साल से फिजियोथेरेपी काउंसिल बनाने का मुतालबा किया जा रहा है। साबिक वजीर आजम ने काउंसिल की मंजूरी भी दी मगर अब तक काउंसिल नहीं बनाई गई। मुजाहिरीन ने फारिगुल तहसील ग्रेजुएट तलबा को नौकरियां देने का भी मुतालबा किया। हम लोग बेसिकली यहाँ से चारों सूबों से प्रोविंस यहाँ पे जमा हुए हैं और हमारा बेसिक जो इशू है वो है काउंसिल का, जो कि पिछली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था लेकिन अभी तक उस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया। काउंसिल बनाने का ऐलान पिछली गवर्नमेंट में किया गया था लेकिन अब इतने अरसा गुजरने के बावजूद इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं किया गया और मजीद कोई प्रोसीडिंग्स नहीं है कि हमारी काउंसिल को अप्रूव किया जाए और हम ताकि वो अपने हकूक के लिए आगे बढ़ सकें। मुजाहिरीन ने डट कर आवाज उठाई तो महकमा सेहत को मुजाकरात का ख्याल आया, मुतालबात पर गौर के लिए दो रोज की मोहलत मांग ली। इधर मुजाहिरीन ने एहतजाज तो खत्म कर दिया, ताहम आइंदा जुमे तक मुतालबात मंजूर न होने की सूरत में चेयरिंग क्रॉस पर धरने की धमकी दे दी। कैमरामैन अजहर बशीर के साथ बिलाल चौधरी, लाहौर न्यूज़।